क्लास, जैसे कि आप इंशाल्लाह बड़ी क्लासेस में, एक सेवन क्लास बड़ी क्लास में हैं और आगे भी जाएंगे, सो आपका जो इंटरेस्ट होने वाला है वो बुक रीडिंग होने वाला है। सो आप एक बुक को किस तरह जज कर सकते हैं उसके कवर से? सो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, और यही हमारी आज की कंपोजिशन भी होने वाली है। सो इसका सलूशन आपके सामने ही है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो आप बुक जज करते हुए क्या देखेंगे? ऑथर्स नेम, बुक्स टाइटल, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से मुराद कोई भी ग्राफिक्स या कोई भी इस तरह की पिक्चर्स उसके स्टार्ट में लगी हों। पब्लिशर्स नेम, पब्लिशर्स लोगो। अब आप लोगो भी आपके पास बने होते हैं अगर आप फॉलो करें उसको। और नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि फेसबुक का वो एफ सा लोगो है, लोगो से आपने परेशानी होना। इस तरह हर बुक के ऊपर किसी न किसी चीज़ का लोगो ज़रूर होता है। और बुक की समरी जो होती है वो एंड पे बनी होती है। कमिंग फर्दर हमारे पास कोटेशन, कोई ना कोई कोटेशन भी लिखी होती है। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट से मुराद के जो राइटर है, जो बुक लिखने वाला है, उसने किस किस का शुक्रिया अदा किया, किस किस का एक्नॉलेज किया। और लास्ट पे प्राइस डिटेल। सो क्लास, ये हमारे पास जो बुक होने वाली है वो मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ साथ ही उसकी फ़ोटो। तो उसका सारा कुछ मैंने ये कंपोजिशन के अंदर आपका राइट हुआ हुआ है। सो क्लास, ये मैंने आपके साथ फ़ोटो शेयर कर दी है। ये हमारे पास बुक होने वाली है और इसके फ्रंट एंड बैक, इसको आपने जज करना है, इसके सब कुछ जो भी इसके पब्लिशर है, लोगो है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपसे डिस्कस किया। आप इसको कंपोजिशन के अंदर, ये जो कंपोजिशन है इसके अंदर से ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। सो आपको इसके बाद भी किसी चीज़ की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे से पूछ लेंगे।